हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में अम्ब्रेला कट जो घाघरा रहता है उसकी सिलाई और कटिंग दोनों सिखाने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको कटिंग सीखने को मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उसको सिलाई भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को ताकि आप अच्छे से पूरा घाघरा सिलने की प्रक्रिया को जान सके। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज का जो टुकड़ा रहता है उसको निकाल लिया है 6 सेंटीमीटर का, तो वो तो आपको अच्छे से पता ही रहता है। और अगर आप लोग चाहें तो आप अलग से भी ब्लाउज का टुकड़ा रख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लाउज के साथ मतलब घाघरे के साथ में जो कपड़ा रहता है उसी से सिलवाते हैं, और बहुत सारे लोग अलग से सिलवाते हैं। तो आप चाहें तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये भी सिखाया है कि आपको किस तरीके से कपड़े को रखना है। आपको जैसे कपड़ा रहता है उसको उल्टी साइड से फोल्ड करना रहता है, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, और इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि लोग जो है ये प्रोसीजर नहीं बताते, वो डायरेक्टली जिस जगह पर अभी मैं चल रही हूँ ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी आप लोगों को सिखाऊं ताकि व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आए कि हमें कपड़े को किस तरीके से रखना है। तो पहले आप जब कपड़े को रखना सीखेंगे तभी तो आप सिलाई मतलब कटिंग करना सीखेंगे। सो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले ये ऐड किया ताकि आप कपड़े को जचाना सीखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी कटिंग के लिए पहले। और मैंने इस तरीके से इस कपड़े को रखा है, तो आप देख सकते हो मैंने आपको पहले से दिखाने के लिए ये किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो कटिंग है उसकी माप चोप को। मेरा जो यहाँ पे है 35-36 के आसपास में नाप है जो अपनी कमर का रहता है, तो उसको आप अगर ऐसे चार भाग नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके से जो अपना फीता है मतलब जैसे आपका इंच टेप है उसको आप इस तरीके से चार बार फोल्ड कर लो तो आपका जो माप है ओरिजिनल वो आ जाएगा। मेरा यहाँ पर 9 रहता है तो मैं यहाँ पर 9 तक लेके जा रही हूँ पहले, और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे दोनों साइड में। तो फिर हम सिर्फ यहीं से ऐसे निशान नहीं लगाना है, इसमें जो हमारा जो ये नेफा क्या बोलते हैं आपके यहाँ मुझे नहीं पता, ये जो बनेगा ना तो इसमें ये नाप बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इससे आपका जो घाघरा है बहुत अच्छे से सिल मतलब तैयार होगा। तो वहाँ से जैसे ऊपर से आपको नापना होता है कि कितना आपका जो नाप आ रहा है वो जहाँ पे आपने 9 लगाया होगा ना वहाँ पे कितना नाप है, तो यहाँ पे 12 का आया है तो मैंने पूरा घुमाते घुमाते 12-12 करते पूरा यहाँ पे निशान लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, 1 इंच भी रख सकते हो क्योंकि हमें जो टाँके लगाएंगे ना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहले से स्टार्टिंग से ही इसको एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो वो फिर घाघरे में जो कम पड़ सकता है टुकड़ा नीचे की साइड से जब आप फोल्ड करोगे तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लो पहले ही। और अब हम अपनी लंबाई नाप लेंगे, तो 35 यहाँ पे है तो मैं 35 यहाँ से जहाँ से हमने ऊपर से नाप लगाया था वहाँ से फीते को लेके और हम स्टार्ट करेंगे अपना नाप। तो इस तरीके से लगाते जाएंगे, पूरा घुमाते जाएंगे फीते को और लगाते जाएंगे निशान, ठीक है। तो 35-35 तक ही चलेगा, ऊपर से अच्छे से पकड़ो खींच के और नीचे से खींच के निशान लगा दो, ठीक है। फिर उसको अच्छे से घुमाओ तो ये एकदम गैर घुमेर मतलब घाघरे की तरह डिजाइन आपकी आ ही जाएगी। अब देख ही सकते हो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अभी हम पहले ऊपर वाला नहीं काटेंगे, पहले इस जो नीचे वाला पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा मतलब रह जाता है उसको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद में ही हम बाकी का काटेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो निशान मतलब आपका जो घाघरा नीचे से है ना वहाँ पे इसको रखो जहाँ से कम दिखता है आपको, तो वहाँ मतलब जैसे ज़्यादा है ना उस साइड, और ये जो आपकी दूसरी साइड में लगेगा तो कुछ इस तरीके से निशान लगा देंगे हम, और फिर इसको भी कट कर लेंगे कैंची से। आपको अपने जो घाघरे का लेंथ है ना उसके ऊपर टच करते जाना तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ पे निशान लगाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो
अब हम ऊपर से अपना नेफे की साइड से वहाँ से कटिंग करेंगे अपना बेल्ट का, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये घाघरा मतलब कट के तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अलग से टुकड़ा जो काटा है ना वो यहाँ पे लग जाएगा, जहाँ से ये एक्स्ट्रा ऐसे साइड में दिख रहा है ना, हम इसे यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और अभी मैं कैमरे को घुमा के आपको पूरा अच्छे से दिखा दूँगी कि कैसे है ये। तो इस तरीके से बहुत आसानी से कट जाता है हमारा अम्ब्रेला कट। और इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले दूसरे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये कट के तैयार है और ये है मेरा सिलने के बाद में। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इसका ट्यूटोरियल।